हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इशिका फूड किचन में। आज लेकर के आए हैं रेसिपी आप सबके लिए। मसूर की दाल से टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे। आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी मसूर की दाल ले ली है, पानी डाल देंगे, धो करके इसको भिगा देंगे दाल को। अब इसे एक घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे। आइए चेक कर लेते हैं दाल को। ये देखिए दाल अच्छे से भीग चुकी है। इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी जार में। और इसको मिक्सी जार में हम अच्छे से ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए दरदरा सा इसको हमने पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। जार में थोड़ी सी दाल रह गई है, अब पेस्ट है इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, देंगे थोड़ा सा पानी और इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे इसका भी। ये देखिए इसका भी पेस्ट बना लिया है। ये देखिए तेल हो चुका है, इसके अंदर हम जो पेस्ट बनाया था दाल का। ये देखिए हमने काफ़ी छोटे छोटे बारीक आकार का बनाया है इनको। ये देखिए आप चाहे तो इसको स्टीम में भी बना सकते हैं, स्टीम करके। तो हम इसको इसी प्रकार से बना रहे हैं। बरी काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बढ़िया हमारी सारी फ्राई हो चुकी है, कढ़ाई में तेल बचा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जीरा, चुटकी भर हींग, तेज पत्ता। ये हमने पेस्ट बनाया था प्याज वगैरह का, इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर। सबको मिक्स कर लेंगे। ये अंदर जाएगी टमाटो प्यूरी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि मसाला अच्छे से भून सके। मसाले को भुनने देते हैं। ये देखिए मसाला भुन चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, 1.5 गिलास पानी ऐड करा है इसके अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे बढ़िया जो हमने मसूर की दाल की बनाई है। अब इसे हम ढक देते हैं, 5 मिनट इसको हम पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए बन करके तैयार है हमारी मसूर की दाल की बरी की सब्जी। धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। खीर बन करके तैयार है हमारी। सर्व कर लेते हैं सब्जी को। बन करके तैयार है हमारी टेस्टी सी सब्जी, ये हमने बनाई है मसूर की दाल से। अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप सबको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं।